हे hey दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Xiaomi के Mi A3 के बारे में। और दोस्तों, जो Xiaomi का Mi A1 था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इंडिया में, वो भी उसके कैमरे के लिए और उसका डिजाइन के लिए। वो एकदम iPhone 7 के जैसा दिखता था और कैमरा में भी बहुत ही कमाल का था। तो यहाँ पे जब Mi A2 आया तो वो उतना ज़्यादा बिका नहीं, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो दोस्तों, अब Mi A2 का सक्सेसर Mi A3 आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा Xiaomi Mi A3 की प्राइस, स्पेक्स और लॉन्च डेट के बारे में। और आपको इस वीडियो में Xiaomi Mi 3 की फुल डिटेल्स देखने मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखते रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो Xiaomi का Mi A3 होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि इसमें कैमरा, डिजाइन और सब कुछ कमाल का मिलने वाला है। ये टोटल एक कमाल का पैक होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। इसमें हमको मिल जाएगा एक 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, जो आएगी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और साथ ही हमको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जो दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ पे हमको एक 1080p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें डिस्प्ले डेंसिटी मिल जाती है 416 ppi। और साथ ही हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही कमाल का होने वाला है। और दोस्तों, जो इस डिस्प्ले का डिजाइन आएगा वो आएगा ड्यू ड्रॉप नॉच की तरह, जैसा कि हमको सैमसंग गैलेक्सी M30 में देखा है। इसमें हमको बहुत छोटी सी चिन और बहुत छोटे छोटे बेजल देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, ये पबजी लवर के लिए एकदम परफेक्ट फोन होने वाला है। तो दोस्तों, फिर बात करते हैं बैटरी की। इसमें हमको बैटरी थोड़ी कम देखने में मिल जाएगी, जैसा कि आपको पता है रेडमी नोट 7 प्रो में हमको 4000 mAh की बैटरी देखने में मिलती है, लेकिन जो Mi A3 होगा उसमें हमको 3400 mAh की बैटरी देखने में मिल जाएगी, आई थिंक जो एकदम ठीक ठाक है। और साथ ही हमको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने में मिल जाएगा। और जो चार्जिंग के लिए पोर्ट होगा, इसमें हमको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें हमको साथ ही बॉक्स में 20W का एक फास्ट चार्जर देखने में मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। और जो चार्जिंग की रेटिंग होने वाली है वो होने वाली है 5V और 4A पे। तो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कैमरा की। इसमें हमको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने में मिल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है Xiaomi का जो Mi A सीरीज होती है बहुत ज्यादा फेमस होती है, वो भी उसके कैमरा और डिजाइन के लिए हमेशा से। तो दोस्तों, इस बार हमको जो ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा उसमें हमको मेन कैमरा मिलेगा एक 48 MP का, जो होगा सोनी का IMX586, जैसा कि हमको रेडमी नोट 7 प्रो में दिखाया है। ये बेस्ड है F1.8 अपर्चर पे, जो हमको लो लाइट में बहुत ही कमाल की फोटो दे देगा। और ये 4K रिकॉर्डिंग करता है, वो भी 60fps पे। तो दोस्तों, इसमें हमको स्लो मोशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेन सेंसर बहुत कमाल का होने वाला है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की। इसमें हमको मिल जाएगा एक 16 MP का कैमरा, जो होगा एक टेलीफोटो लेंस, जो F2.0 अपर्चर पे बेस्ड होगा। ये एक जूम लेंस भी कह सकते हैं, टेलीफोटो लेंस बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और दोस्तों, इसका जो थर्ड कैमरा मिलेगा वो हमको मिलेगा 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो होगा F2.0 अपर्चर पे बेस्ड। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको तीन के तीन कैमरा बहुत ही कमाल के मिलते हैं। जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो हमको अल्ट्रा वाइड शॉट्स देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2019 में ट्रिपल रियर कैमरा का ट्रेंड चल रहा है, और हमको 15,000 की प्राइस पे बहुत अच्छे अच्छे कैमरा मिल जाते हैं, जो आते हैं तीन कैमरा के साथ बैक साइड में, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A50 और M30 भी है, और बहुत सारे फोन मिल जाते हैं इस प्राइस। तो दोस्तों, आपको इसका कैमरा कैसा लगा हमको नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रोसेसर की। जैसा कि आपको पता है प्रोसेसर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फोन के लिए, उस पर उसकी प्राइस और परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। तो यहाँ पे Xiaomi का Mi A3 में हमको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 710 या 712 प्रोसेसर, जो कि एकदम अभी के लेटेस्ट है। और दोस्तों, जो Qualcomm Snapdragon 710 प्रोसेसर है वो एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही पावरफुल और बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसमें दोस्तों हमको 4 हायर कोर देखने को मिल जाते हैं और 4 लोअर कोर देखने को मिल जाते हैं। 4 कोर रन करते हैं 2.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे, और बाकी के 4 छोटे कोर रन करते हैं 1.8 GHz की क्लॉक स्पीड पे। तो दोस्तों, टोटल मिला के ये हमको बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। और साथ ही दोस्तों, ये प्रोसेसर क्विक चार्ज 4 को भी सपोर्ट करता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस प्रोसेसर से हम पबजी आराम से खेल सकते हैं, वो भी हाई ग्राफिक से बिना किसी लैग के। तो दोस्तों, ये पबजी लवर के लिए एकदम परफेक्ट फोन होने वाला है, अगर पबजी तब तक बैन ना हो तो। और दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरा है वो हमको एक 25 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है Mi A2 में हमको 20 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी हमको बहुत ही कमाल की सेल्फी देखने को मिल जाएंगी। और जो फ्रंट कैमरा फिट होगा वो होगा ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर, जिसमें हमको बहुत छोटी छोटी बेजल देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जैसे कि आपको पता है जो Mi A सीरीज होती है वो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के तहत आते हैं, तो यहाँ पे हमको Mi A3 भी एंड्रॉइड 1 के साथ दिखेगा, जो आएगा एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें सिर्फ हमको कैमरा कस्टमाइज दिखेगा। और दोस्तों, ये एक स्टॉक एंड्रॉइड है, यानी कि प्योर एंड्रॉइड कह सकते हैं। और इसमें हमको बहुत सारे बग फ्री में देखने को मिल जाएंगे। और जो मेरा फोन था Mi A2 उसमें सिर्फ 3G सपोर्ट कर रहा है, अब 4G को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। आई होप कि Xiaomi वाले इसे जल्दी से फिक्स कर दे। और दोस्तों, अगर आप में से कोई Xiaomi का Mi A सीरीज का डिवाइस यूज करता है तो आपको कौन सा बग फेस हो रहे हैं वो हमको नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बॉडी की।
जैसा कि आपको पता है जो मी की ए सीरीज होती है वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि इसमें हमको बहुत ही क्लासिक बॉडी देखने में मिल जाती है और बहुत ही पावरफुल यानी कि स्ट्रांग बॉडी देखने में मिल जाती है। तो इसमें हमको बैक साइड में ग्लास बैक देखने में मिल जाएगा और साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम देखने में मिल जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है रेडमी नोट 7 में हमको साइड में प्लास्टिक बॉडी देखने में मिल जाती है, तो इसमें हमको एल्यूमिनियम साइड देखने में मिल जाएगा और बैक में ग्लास बैक देखने में मिल जाएगा। तो दोस्तों मी A3 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की होने वाली है, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है इस फोन के लिए। और दोस्तों फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिम ट्रे की, तो इसमें हमको हाइब्रिड स्लॉट देखने में मिल जाएगा जिसमें हमको एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर दो सिम एक साथ लगा सकते हैं, आई थिंक दोस्तों जो कि एकदम ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों मी A3 बहुत ही कमाल का होने वाला है और इसमें हमको कोई भी 3.5mm ऑडियो जैक देखने में नहीं मिलेगा, जैसा कि हमको मी A2 में देखा गया था, जो कि बहुत निराश वाली बात है। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, और आप सभी से एक क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस क्या होनी चाहिए, वो हमको नीचे कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों ये हमको 3 वेरिएंट में देखने में मिल जाएगा। अगर इसमें हमको 3GB रैम और 32GB रोम दिखेगी तो उसकी प्राइस होने वाली है लगभग 13,000 रुपए के आसपास। और जो इसका दूसरा वेरिएंट देखने में मिलेगा वो हमको मिलेगा 4GB की रैम और 64GB की रोम के साथ, जिसकी प्राइस लगभग 15-16,000 के आसपास रहने वाली है। और दोस्तों फिर अगर बात करें हम 6GB की रैम और 64GB रोम वेरिएंट की, तो इसकी प्राइस लगभग 17,000 के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें हमको 3 के 3 वेरिएंट बहुत ही कमाल देखने में मिल जाते हैं। और दोस्तों आपको कौन सा वेरिएंट सबसे अच्छा लगा वो हमको नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अप्रैल की लास्ट वीक तक ये हमको इंडिया में देखा जाएगा, जिसकी बहुत ही कमाल की प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं ये आखिर किस प्राइस में आता है और मार्केट को किस टाइप से किल कर पाता है। तो दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और